भोलू नाम का एक बिल्डर था उसका शहर में बड़ा नाम था उसने कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी और इसकी वजह से वो काफी अमीर भी हो गया था एक बार की बात है उसके पास उड़ते उड़ते खबर आई कि शहर से थोड़ी ही दूर पे एक जंगल है जहाँ पे कुछ जमीन खाली पड़ी है भोलू अपने ऑफिस में बैठा बैठा खुद से बातें कर रहा था मैंने दूसरों के लिए कई घर और बिल्डिंग बनाई है मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी एक ऐसा सुकून भरा घर बनाना चाहिए जो कि शहर के शोर शराबे से दूर हो वहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने जाया करूंगा काम के चलते मुझे यही शहर में रहना पड़ता है लेकिन मैं वहाँ छुट्टियाँ मनाने तो जा ही सकता हूँ ठीक है तो ये तय रहा की मैं उसी जंगल वाली खाली जमीन पर घर बनाऊंगा बोलू मन ही मन ये तय कर लेता है की उसी जंगल वाली जमीन पे अपने लिए घर बनाना है वो अगले ही दिन अपने कुछ आदमियों के साथ उस जमीन को देखने निकल जाता है वाह ये जमीन तो काफी अच्छी है बड़ी हैरानी की बात है कि अब तक यहाँ पर कोई रहने नहीं आया ऐसी जमीन तो करोड़ों में बिकती है लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे ये एकदम मुफ्त में मिल रही है <laughs> साहब तो काम कब से शुरू करना है अरे बस कल से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा तब तक एक काम करो फिलहाल यहाँ पर पंद्रह बीस ईंट रख दो ताकि हम कल आए तो हमें याद रहे की कि काम किस जगह ऐसी शुरू करना है बोलो के कहे अनुसार उसके आदमी वहाँ पर ईट रख कर चले जाते हैं उनके जाते ही जमीन के अंदर ऐसी चुड़ैल बाहर आती है चुड़ैल बाहर आकर एक जोर की अंगड़ाई लेती है दरअसल उसी जमीन के नीचे उस चुड़ैल का घर था वाह प्यारी सुबह, आज तो सूरज बड़ा ही अच्छा खिला है कल रात को तो खाना ढूंढने में बड़ी देर हो गई थी इसीलिए थकान के चलते मुझे बड़ी ही प्यारी नींद आई <laughs> चुड़ैल खुद में ही मगन थी कि तभी उसका ध्यान सामने रखे ईंट पर जाता है अरे ये सब क्या है भला ये मेरे घर के ठीक ऊपर ये ईंट किसने रख दी कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है यहाँ इस जंगलों में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं आता जाता तो फिर ये काम किसने किया होगा चुड़ैल गुस्से में सारे ईंट उठाकर अलग फेंक देती है और खाना ढूंढने चली जाती है वो ईंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वापस जमीन के नीचे अपने घर में जाकर सो जाती है अगले दिन भोलू के आदमी आते हैं और जमीन में गड्ढा खोदने लगते हैं। चुड़ैल काफी गहरी नींद में थी इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है जब भोलू के आदमी सारा काम खत्म करके चले जाते हैं तब चुड़ैल फिर से जमीन से बाहर आती है अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है ये रोज रोज कौन है जो यहाँ आकर ये सब करके जाता है कल यहाँ इतने सारे ईट थे और आज ये खुदाई नहीं ये जो कोई भी है मुझे इसे रोकना ही होगा लगता है कि मेरा घर खतरे में है इसके बाद जितना भी गड्ढा खुदा हुआ था चुड़ैल उसमें वापस से मिट्टी भर देती है और फिर आराम से वापस अपने घर चली जाती है ओहो, बड़े दिनों बाद मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है लेकिन चलो आखिरकार मैंने अपना घर तो बचा लिया है अब मेरे घर को कोई खतरा नहीं है <laughs> अब मैं सुकून से सो पाऊंगी चुड़ैल खुद से बातें करके आराम से सो जाती है उधर जब काम करने वाले आदमी वापस उस जमीन पर लौटते हैं तो वो मिट्टी को वापस गड्ढे में देख कर हैरान रह जाते हैं वो सब जल्दी से सारी खबर भोलू तक पहुँचा देते हैं खबर मिलते ही भोलू भागा भागा वहाँ आता है लगता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊं। इसीलिए वो बार बार मेरे काम में टांग अड़ा रहे ठीक है इस बार मैं यहीं रुककर देखूंगा कि आखिर कौन है मेरा दुश्मन भोलू अपने आदमियों को कहकर गड्ढे को फिर से खुदवा देता है और उसके बाद उनके साथ झाड़ियों के पीछे छिप जाता है अंधेरा होने लगता है और भोलू अपने अनजान दुश्मन का इंतजार करने लगता है अरे कितनी देर होगी मालिक अभी तक तो कोई भी नहीं आया कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब किसी जंगली जानवर का काम है नहीं नहीं ये किसी जानवर का काम नहीं है मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है भोलू इंतजार कर ही रहा था कि तभी चुड़ैल वहाँ पर आ गई चुड़ैल बाहर निकलकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है ये क्या यहाँ तो फिर सब कुछ वैसा का वैसा हो गया आखिर कौन है ये जो बार बार मुझे छेड़ रहा है चुड़ैल को देखकर कर भोलू और उसके सभी आदमी डर जाते हैं अरे मालिक ये तो चुड़ैल है लगता है यहाँ जमीन के नीचे इसका घर है ये तो हम सब ने बड़ी भारी गलती कर दी मालिक हमने तो सीधे चुड़ैल से पंगा ले लिया अरे अपना मुंह बद रखो वरना वो हमें देख लेगी और मुझे सोचने दो कि आखिर इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है बोलू अपने आदमी को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन तब तक चुड़ैल उन्हें देख लेती है कौन छुपा है वहाँ जल्दी से बाहर आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं ओ तो तुम लोग हो जो मेरे घर के ठीक ऊपर अपना घर बनाना चाहते हो कि मैं अंदर ही कैद हो जाऊं और बाहर ना पाऊं। बोलू चुड़ैल की बात सुनकर डरते डरते कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है उल्टा हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे दरअसल मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर हूँ और मैंने शहर में कई बिल्डिंगें बनाई हैं मुझे पता चला कि यहाँ पर तुम्हारा घर है और तुम जमीन के नीचे रहती हो यह सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा यहाँ पे इतनी सारी जमीन है और सारा इलाका तुम्हारा है लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास अपना खुद का घर तक नहीं है इसीलिए मैं यहाँ आया और तुम्हारे लिए एक घर बनाने की सोची ओह क्या सच में ऐसा है मुझे तो लगा कि सब इंसान एक जैसे ही होते हैं मतलबी और लालची पर मेरी डायन माँ सच कहती थी कुछ इंसान अच्छे होते हैं तुम भी उन्हीं अच्छे इंसानों में से एक मालूम होते हो <laughs> तभी भोलू का एक आदमी चुड़ैल से कहता है अच्छा अच्छा ये सब तो ठीक है पर चुड़ैल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये घर बनेगा तुम्हें नीचे अपने घर के अंदर ही रहना पड़ेगा तुम बाहर नहीं आ सकती क्योंकि हमें ये सब काम अच्छे से खत्म करना है अरे पर ऐसे तो मैं घर के नीचे ही कैद हो जाऊंगी और फिर कभी निकल नहीं पाऊंगी नहीं नहीं मैं एक बिल्डर हूँ मुझ पर यकीन करो जब घर पूरा बनकर खड़ा हो जाएगा तो आखिर मैं मैं तुम्हारे लिए जमीन से जुड़ा एक दरवाजा बनाऊंगा जो नीचे जमीन के अंदर से ऊपर की तरफ खुलेगा ऐसे तुम्हारा पुराना घर अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे और नया घर जमीन के ऊपर क्यों है ना कमाल का आइडिया हाँ हाँ मुझे तो ये आइडिया काफी पसंद आया ऐसे तो मेरे दो दो घर होंगे ठीक <laughs> है मैं अंदर जा रही हूँ जब घर पूरा बन जाएगा तभी मैं बाहर निकलूंगी <laughs> इतना कहकर चुड़ैल वापस जमीन के अंदर चली जाती है और भोलू जोर जोर से हंसने लगता है उसे ऐसे हंसते हुए देखकर उसकी सभी आदमी हैरान हो जाते हैं अरे मालिक आप हंस क्यों रहे और क्या सचमुच में आप ये घर बनाकर उस चुड़ैल को दे देंगे मालिक ये तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी हम लोग भला एक चुड़ैल के लिए घर क्यों बनाए क्या आप सच में ऐसा करेंगे हाँ और क्या मैंने उस चुड़ैल से वादा जो किया है चलो अब तुम सब लोग जल्दी से मेरा अरे नहीं नहीं उस चुड़ैल प्यारी चुड़ैल का घर बनाओ जब यह घर पूरा हो जाए तब मुझे शहर से यहाँ बुला लेना भोलू भी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सभी आदमी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन उन्हें तो घर बनाने के पैसे मिलने थे इसीलिए वो बिना ज्यादा सोचे समझे बड़ी मेहनत से घर बनाने में जुट जाते हैं कुछ महीने बीत जाते हैं और वो घर बनकर तैयार हो जाता है घर बनते ही सब लोग भोलू को वहाँ बुलाते हैं वाह ये घर तो कितना अच्छा लग रहा है इसे देखकर तो दिल खुश हो गया मालिक ये घर तो बनकर तैयार हो गया अब बस वो चुड़ैल जो जमीन के नीचे अपने पुराने घर में कैद है उसके लिए एक दरवाजा बनाना बाकी है <laughs> क्या तुम लोगों को सचमुच लगता है कि मैं इस चुड़ैल चुड़ैल के लिए दरवाजा बनाऊंगा नहीं नहीं बिल्कुल ये मेरा घर है और अब वो जिंदगी भर इसके नीचे ही कैद रहेगी <laughs> सभी आदमी ये सुनकर हंसने लगते हैं उनमें से एक आदमी भोलू से कहता है <laughs> मालिक हमें तो पता ही था कि आप अपने सपनों के घर को इतनी आसानी से उस चुड़ैल को नहीं देंगे हाँ और क्या तभी वहाँ पर उनके पीछे से वही चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर भोलू के साथ साथ सभी लोग डर जाते हैं मुझे तो पता ही था कि तू मुझे धोखा देगा क्या तुम बाहर कैसे ये कैसे हो सकता है तुम तो मेरे सामने नीचे गई थी ना <laughs> हाँ गई थी मैं नीचे पर तेरे जाने के बाद मैं वापस बाहर निकल आई थी और घर को बनते हुए देख रही थी तुझे क्या लगा कि मुझे बेवकूफ बना के तू आसानी से मेरी जमीन लेकर मेरा घर बर्बाद करके ऊपर आराम से रहेगा <laughs> चुड़ैल को वहाँ देख बाकी सब आदमी तो वहाँ ऐसी भाग जाते हैं पर चुड़ैल बोलू को पकड़ खा जाती है <laughs> अब आया ना मजा अब मैं बढ़िया मजे से इस बड़े से घर में रहूंगी वो भी मुफ्त में <laughs> फिर क्या था चुड़ैल अपने नए घर में पहले की तरह ही रहने लग जाती है और उसे उस जंगल में परेशान करने वाला भी